नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये किर्लोस्कर ट्रैक्टर है 1979 का मॉडल और आज 2021 हो गया। आज इन्होंने नया ट्रैक्टर खरीदा था। ये मेजर सिंह जी हैं जिन्होंने ये ट्रैक्टर नया लेके आए थे, तो इनसे आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। भाई ट्रैक्टर के ये ट्रैक्टर कैसे कब मतलब क्यों ले गए, यही ट्रैक्टर क्यों ले गए और फिर ले आने के बाद कैसा ये ट्रैक्टर निकला और आज भी ये ट्रैक्टर चला रहे हैं, इसके बारे में इनके लड़के बताएंगे जो आजकल इस ट्रैक्टर को वो चलाते हैं। तो इनसे चलो बात करते हैं और बताते हैं, पता लगाते हैं वैसे क्या खास बात थी इस किर्लोस्कर के अंदर। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। आप अपना एक बार नाम पता एड्रेस बताओ अंकल जी। मेजर सिंह मेरा नाम। हाँ जी, गांव का नाम क्या है जी अपने? अपना थराज वाला जी। थराज वाला, यार डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जी? ये डिस्ट्रिक्ट गिदड़वा नहीं, वो तहसील गिदड़वा होगी। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? श्री मुक्तसर से। श्री मुक्तसर, अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपके लड़के जी हैं? हाँ जी। गुरमीत सिंह? हाँ गुरमीत सिंह। अच्छा 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 जी। तो अंकल जी ये बताओ, आप ये ट्रैक्टर नया लेके आए थे उस टाइम पे? हाँ जी, ये नवा। कितने पैसे था जी? हाँ कितने पैसे का लेके आए थे आप? 55,000 का आया सी वो टाइम जी। अच्छा 55,000 का उस टाइम पे आया था। और मतलब आप जैसे जब लेके आए ट्रैक्टर को, तो और भी तो ट्रैक्टर मार्केट में आपने यही क्यों ढूंढा? जी डीजल खर्चा बहुत कट सी सारे ट्रैक्टर नालों। अच्छा, जैसे आपने सुना था डीजल खर्चा कम है इस ट्रैक्टर का उस टाइम पे? हां जी, तो इंजन खुलता सी बिना पानी तो चलता है। अच्छा, एयर कूल्ड इंजन है? हां जी, वही नहीं थे अपना। अच्छा 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 अच्छा। तो जब ये ट्रैक्टर लेके आए आपने कितने एकड़ जमीन जोती इस ट्रैक्टर से? वो तो जी अपने को पास 10-12 एकड़ सी जी। अच्छा 10-12 एकड़ अपने खुद की थी। किराया वगैरह भी करते थे इससे? किराया जी बहुत वाया किराया है, नेड़े नेड़े जी 3-4 पिंड वाया किराया है। अच्छा अच्छा। गिदड़वा, अक्सर, किंगरे, लालबाई, 3-4 पिंड की जमीन वाही है जी। उदो टैट होंगे ही नहीं सी उदो। अच्छा, उस टाइम बहुत कम ट्रैक्टर मतलब सारे पिंड 5-7 टैट सी सारे च। अच्छा, केड़े गांव च? अच्छा, मतलब आपने खूब रगड़ा ट्रैक्टर उस टाइम? बहुत किराया है जी। दर्रा चली जाता सी, बंदे बदली जाते सी। अच्छा, चलाई जाते सी मतलब बंदे रुक जाते थे, ट्रैक्टर नहीं रुकता था? बदल के दर्रा चलाउंदी सी। अच्छा अच्छा, बहुत वाह है जी, खूब कमाया ट्रैक्टर ने अपना। बहुत, 1 किला जमीन दा 6 महीने दे विच इहदे किराए नाल बै लेडी सी। अच्छा जी, इस के ट्रैक्टर की से जैसे आपने इतना कमाया मतलब इतना चलाया, 18,000 दा किला सी उदो लिया, 20 लाख रुपया के एकड़ है वो। तो उस टाइम पर जैसे 18,000 रुपये का एक किला जमीन का आपने 6 महीने में खरीद लिया, वैध ले लिया था इसके किराए किराए। अरे वाह जी, मतलब आपने काफी मेहनत की है उस टाइम। ठीक ठीक ठीक। ट्रैक्टर ने कभी धोखा दिया कहीं पर, खराब भी हुई कर? ना जी, कभी नहीं खड़ा, ता ही जी हुण ताई रखी बैठे हैं, नहीं तो ऐं खराब करदा हुंदा वेच दिंदे अज ता ही रखी बैठे इन्ने चिर दे। अच्छा, कदे नहीं कदे खड़ा कदे कहीं कोई धोखा नहीं दिया? ना ना, जेड़ा कर्म वाला ठेठ सी कदे नहीं खड़ा है। अच्छा अच्छा, तो आज आप चलाते हो या लड़का चलाता है? हुण जी हुण लड़का चलाउंदा, पहला हुण ता मैं चलाउंदा सा, हुण लड़का चलाउंदा है। हां जी हां जी, सारी जिम्मेवारी है ये चलाउंदा जी। भाई जी, आज के टाइम में जैसे आपने ट्रैक्टर रख रखा है जैसे 42 साल पुराना, तो ऐसी खास बात क्या आपने क्या लगा इसके साथ, खास क्या लगा इसका? हाँ ये है जी, हुण वाले जिहड़े नवे ट्रैक्टर है जी, आपां उन्हां दा जोर वेखीए तो उन्हां दा इहदे नालों जोर बहुत ज्यादा घट है। अच्छा अच्छा। दूजा नंबर रूटावेटर, जो मर्जी पालो, जो 8 फुटा पालो, 7 फुटा पालो, इन्हू कोई परवाह नहीं। अच्छा, कितने एचपी का ये? 43 HP का जी, ते काम करदा 50 HP तक। 50 HP वाला ट्रैक्टर बराबर इहदे आउंदा नहीं गा। अच्छा अच्छा, मतलब इतना इतनी ताकत लगा देता है? ताकत है। अच्छा 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 अच्छा। और कोई खास बात बताओ जैसे आप फिर भी आपने रखा क्यों है ट्रैक्टर को इतने देर? बात ये है जी, हुणे इहदा सारा काम कराता सी, छेती इंजन खुलदा नहीं इहदा। अच्छा अच्छा, 20 साल बाद इंजन खुलिया, हुणे इहदा 2 साल हो गए इंजन कराता, हुणे 15 साल तक इहदा इंजन खुलदा नहीं गा। अभी आप हाल में कितने एकड़ जमीन जोत रहे हो इस ट्रैक्टर से, काम कितना कर रहे हो इस ट्रैक्टर के साथ? 15 किले की वाही करते हैं। अच्छा, 15 किले की वाही करो। अच्छा अच्छा, आज भी जैसे इस ट्रैक्टर से 15 किले की वाही कर रहे? जो मर्जी मतलब वो नया भी वही काम करेगा। हां हुन जे नया ट्रैक्टर लवांगे आज 6.5-7 लाख तो घट कोई ट्रैक्टर नहीं आउंदा। बिल्कुल बिल्कुल, ते कम इहदे नालों अद्धा करूगा, इहदे बराबर कम नया ट्रैक्टर भी नहीं करदा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये तो है जी, देखो चीज तो है पुरानी किर्लोस्कर का अपना अपने आप में नाम है। हां ना सुन के लोग आउंदे वेखण
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ ਕਮ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਮ ਬਚੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ मैं एक बार ट्रैक्टर दिखा देता हूँ और भैया है दोनों चाचा भतीजा जिन्होंने मेरे को बताया था गुरु सेवक जी ये ट्रैक्टर बताया था अपना यहाँ पे और ट्रैक्टर दिखा देता हूँ एक बार। हाँ जी गुरु सेवक जी दसो कुछ तो दसो ट्रैक्टर आपने भी देखा होगा ये हमने भी देखा जी बहुत अच्छा ट्रैक्टर डीजल बहुत कम खाता है। अच्छा डीजल कम खाता है ये मतलब आपने भी जैसे थोड़ा बहुत देखा है आपके पड़ोस के गाँव में तो है हमने देखा है भाई। अच्छा अच्छा चलो भाई ट्रैक्टर दिखा देते हैं ये अपना इसकी एक प्लेट यहाँ पर लगी हुई है और अपना ये इनलाइन पंप माइको का इनलाइन पंप है इसके अंदर तीन सिलेंडर ट्रैक्टर है ये एयर कूल इंजन के साथ में आता था और सबसे बड़ी बात ये भी थी इस ट्रैक्टर की कि इसके अंदर इंजन ऑयल ठंडा करने के लिए अलग से कूलर लगा हुआ है वो दिखाऊँगा मैं आपको उसका मौका लगा तो। ये अपना पूरा ट्रैक्टर चलता आज भी प्रॉपर तरीके से काम करता है। ये अपना लीवर चार गियर है ना जिसके अंदर चार और हाई लो है आठ प्लस दो गियर हो गए आठ प्लस दो गियर के साथ में ये अपना जो आज के टाइम में ड्यूज फार का जो अपना आता है डैशबोर्ड उसी टाइप का उस टाइम पे ये कंपनी ने किर्लोस्कर का दिया मतलब ड्यूज को किर्लोस्कर में कन्वर्ट किया था बेसिकली मुडगार्ड साथ का कलर है ना इसके ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर साथ के कलर के साथ में भाई पूरा पूरा ट्रैक्टर ये बढ़िया डीजल खर्चा जैसे बहुत सारे बंदे जैसे जहाँ भी गए भाई इस किर्लोस्कर में एक ही बात खास बहुत बोलते लोग कि डीजल खर्चा कम है ट्रैक्टर का सबसे बड़ी बात तो अच्छी बात तो यही है जो इंटरकूलर जो इसका इंजन ऑयल कूलर लगा हुआ है वो इसके अंदर लगा हुआ जो यहाँ पे फैन है ना ये फैन है जो ना ना खोल लगा दे वो साइलेंसर उतारना पड़ेगा। अच्छा ये अच्छा 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 हाँ ये रहा ये है भाई ये इंजन ऑयल कूलर लगा हुआ इधर फैन है वो घूम के इधर हवा फेंकेगा और हवा यहाँ से इनके पिस्टनों के चारों तरफ घूमती रहेगी तो ठंडा करती रहेगी इंजन को और यहीं पे कूलर दिया इसके अंदर ये जो ऑयल को ठंडा करता रहता है ये चीज़ है बढ़िया है एकदम। चलो जी थैंक यू जी काफ़ी अच्छा लगा जी आपसे बात करके। ये था भाई किर्लोस्कर ट्रैक्टर 1979 का 79 मॉडल और जैसी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना वीडियो लाइक करना शेयर करना थैंक यू दोस्तों।